नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ तनु अरोरा। देहदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जिंदा रहकर हर कोई तरह तरह के दान करता है, लेकिन जो व्यक्ति अंगदान या देहदान करके जाता है वो मरने के बाद भी कई लोगों को नई जिंदगी देकर जाता है। इसलिए देहदान या अंगदान को सबसे महान दान माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देहदान और अंगदान में अंतर है? जी हाँ, दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसका देह यानी शरीर दान किया जाता है। मेडिकल रिसर्च व एजुकेशन को मृत व्यक्ति का शरीर दान किया जाता है। यह शरीर वहाँ के छात्रों के रिसर्च के काम आती है। रिसर्च में शोधकर्ता इंसानी शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुछ व्यक्ति मरने से पहले अपना शरीर दान करके जाते हैं, वहीं कुछ व्यक्तियों के घर वाले उनका शरीर दान कर देते हैं। देहदान करने का निर्णय काफी ज्यादा कठिन होता है, खास तौर पर मरने के बाद व्यक्तियों के परिवार वालों के लिए यह निर्णय लेना काफी ज्यादा कठिन है। हमारे देश में कई लोगों ने देहदान का निर्णय मरने से पहले लिया है, वहीं कुछ लोगों के परिजनों ने मरने के बाद उनका शरीर दान किया है। आइए जानते हैं देहदान और अंगदान के बारे में संपूर्ण बातें। देहदान और अंगदान में क्या है अंतर? देहदान और अंगदान में काफी ज्यादा फर्क होता है। देहदान में व्यक्ति का पूरा शरीर दान किया जाता है, यानी देहदान सिर्फ मरने के बाद ही किया जाता है। वहीं अंगदान में आप शरीर के उस हिस्से को डोनेट कर सकते हैं जिससे आपका यानी दानदाता का जीवन प्रभावित ना हो, साथ ही आपके शरीर का वह हिस्सा किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना हो। अंगदान में शरीर के कुछ अंगों को आप मरने से पहले भी दान कर सकते हैं, जैसे कई जीवित व्यक्ति अपनी दो किडनी में से एक किडनी दान करते हैं ताकि दूसरे की जान बचाई जा सके। ब्रेन डेड होने पर शरीर के सभी अंगों को दान में दिया जा सकता है। मृत शरीर के 3 घंटे तक आंखों की कॉर्निया जीवित रहती है, जिसे मृत व्यक्ति मरने से पहले या उसका परिजन दान कर सकता है। हमारे देश में किडनी, लीवर और कॉर्निया की सबसे ज्यादा डिमांड है। किसी भी मृत व्यक्ति के शरीर में सबसे कम समय तक कॉर्निया और सबसे ज्यादा समय तक किडनी जीवित रहती है। इन अंगों को मृत व्यक्ति के शरीर से निकालकर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। शरीर के इन अंगों को निकालकर मृत व्यक्ति के शरीर को मेडिकल छात्रों को दान भी किया जा सकता है। पूरे शरीर के दान को देहदान कहते हैं। क्यों देहदान है जरूरी? मेडिकल छात्रों को एनाटॉमी पढ़ाने के लिए देह यानी शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे छात्र शरीर के स्ट्रक्चर और वह किस तरह से काम करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सर्जन्स, डेंटिस्ट, फिजिशियंस और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के कोर्स में यह सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। मेडिकल कॉलेज को वॉल्टन री डोनेशन से मृत व्यक्ति का शरीर मिलता है। इसके अलावा पुलिस को मिले अज्ञात शव जिसे कोई नहीं लेता है, उन शवों को मेडिकल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। शरीर डोनेशन की क्या होती है शर्तें? हर व्यक्ति अपना देह दान कर सकता है। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस द्वारा आसानी से देहदान को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखे गए हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें देहदान को स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है तो उस मृत व्यक्ति के देहदान को स्वीकार नहीं किया जाता है। कैसे करें देहदान? आप अपने जीवन में कभी भी देहदान का फैसला ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी मेडिकल कॉलेज या फिर बॉडी डोनेशन एनजीओ से संपर्क करना होगा। यहाँ संपर्क करके आप देहदान के लिए अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसका फैसला लेने से पहले आपको अपने परिजन और परिवार वालों से सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस निर्णय में कई बार परिजन साथ नहीं देते हैं। इसलिए देहदान का फैसला लेने से पहले एक बार अपने परिवार वालों से अपने निर्णय के बारे में सलाह जरूर लें। अंगदान कैसे करें? जिन अस्पतालों में अंगदान की सुविधा होती है वहां जाकर आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप अंगदान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आपकी मृत्यु के बाद परिजनों की सूचना पर विशेषज्ञों की टीम द्वारा आपके शरीर से अंग को प्राप्त कर लिया जाता है।
देहदान और अंगदान का फैसला काफी कठिन और साहस से भरा होता है, इसलिए इस फैसले को लेने से पहले एक बार अपने परिवार वालों से सलाह जरूर लें ताकि आगे किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। अब हम आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगे। देहदान क्यों आवश्यक है? समाज को कुशल चिकित्सक देने हेतु उसको मानव शरीर रचना का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, जो मृत शरीर पर परीक्षण द्वारा ही संभव है। इस हेतु देहदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहदान कौन कौन कर सकता है? देहदान प्राकृतिक मृत्यु के उपरांत किसी भी धर्म या जाति के वयस्क सदस्य द्वारा किया जा सकता है। देहदान का संकल्प कब लिया जा सकता है? देहदान का संकल्प 18 वर्ष के उपरांत कभी भी किया जा सकता है। देहदान हेतु संकल्प पत्र भरने की आवश्यक अर्हताएं। देहदान हेतु संकल्प पत्र भरने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक है। स्वयं का संकल्प, संकल्पकर्ता की 2 फोटो, स्वयं की फोटो, पहचान पत्र की छाया प्रति, स्थायी निवास से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, 2 गवाहों की सहमति जो संकल्पकर्ता के निकटतम परिजन हो, गवाहों के फोटो, फोटो पहचान पत्र एवं स्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति। देहदान हेतु संकल्प पत्र कहां से प्राप्त किया जा सकता है? देहदान हेतु संकल्प पत्र चिकित्सा महाविद्यालय के शरीर रचना विभाग, एनाटॉमी विभाग एवं गैर शासकीय संगठन एनजीओ दधीची संस्था एवं मुस्कान ग्रुप से प्राप्त किया जा सकता है। संकल्प पत्र वेबसाइट http://donatelifeindia.org पर है। क्या आकस्मिक प्राकृतिक मृत्यु उपरांत देहदान किया जा सकता है? हाँ, चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क कर क्यू फॉर्म भरकर देहदान किया जा सकता है। क्या नेत्र एवं त्वचा दान के उपरांत भी देहदान किया जा सकता है? हाँ, नेत्र एवं त्वचा दान के उपरांत भी देहदान किया जा सकता है। मृत्यु उपरांत कितने समय के अंदर देहदान किया जा सकता है? मृत्यु के उपरांत देह का दान अधिकतम 15 घंटे के अंदर किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश विलंब होता है तो मृत देह को बर्फ में सुरक्षित रखें, जिससे मृत देह खराब ना हो। यही प्रक्रिया अधिक गर्मी में भी अपनाएं, जिससे मृत देह परीक्षण हेतु सुरक्षित रहे। देहदान के समय कौन कौन से दस्तावेज होने अनिवार्य है? देहदान के समय निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसका देहदान किया जा रहा है उसका एवं उसके निकटतम परिजनों का फोटो, जिसका देहदान किया जा रहा है उसका एवं उसके निकटतम परिजनों का फोटो, पहचान पत्र एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। उपरोक्त दस्तावेज की आवश्यकता दानकर्ता एवं परिजनों के सम्मान हेतु आवश्यक है, जिससे सम्मान समारोह में उन्हें आमंत्रित किया जा सके एवं उनका सम्मान सहित आभार प्रदर्शन किया जा सके। किसका देहदान स्वीकार नहीं है? निम्नलिखित कारणों से देहदान स्वीकार नहीं है। तपेदिक से संक्रमित मृत्यु, कैंसर से संक्रमित मृत्यु, HIV से संक्रमित मृत्यु, हेपेटाइटिस से संक्रमित मृत्यु, हेपेटाइटिस बी एवं सी, गंभीर संक्रमण से संक्रमित मृत्यु, MLC केस, शव विच्छेदन पोस्टमार्टम उपरांत एवं अंगदान यकृत, लीवर, गुर्दा, किडनी आदि उपरांत शव परीक्षण संभव नहीं हो पाता है। देहदान प्रमाण पत्र कब दिया जाता है? देहदान प्रमाण पत्र देहदान दिनांक के उपरांत 2 दिन बाद कार्यालयीन समय पर शरीर रचना विभाग के कार्यालय से निकटतम परिजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शव परीक्षण के उपरांत उसका क्या उपयोग है? शरीर के समस्त भागों की रचना का अध्ययन चिकित्सा छात्रों के लिए जाने के उपरांत म्यूजियम स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं, जिससे इनका उपयोग भविष्य में भी अध्ययन हेतु किया जा सके। अस्थियां भी अध्ययन हेतु उपयोग में की जाती है। क्या एक बार शव परिरक्षण के उपरांत कोई अंग जीवित व्यक्ति के काम आ सकता है? नहीं, एक बार शव परिरक्षण होने के पश्चात कोई भी अंग जीवित व्यक्ति के काम नहीं आ सकता है। आशा करती हूँ कि आपको इस जानकारी से देहदान और अंगदान से जुड़ी तमाम जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए इंडियन न्यूज़।